हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास थर्ड का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड, परीलोक की सैर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का जो उद्देश्य है वो क्या है, झूठ न बोलने की प्रेरणा देना, कल्पनाशीलता एवं रचनात्मकता बढ़ाना, स्मरण शक्ति बढ़ाना, मनोरंजन करना। तो चलिए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है उपहार यानी कि भेंट या तोहफा, पुस्तक यानी कि किताब, उदास यानी कि दुखी, नाराज यानी कि क्रोधित या गुस्से में, क्षमा मांगना यानी कि माफ़ी मांगना, लोक संसार या दुनिया, अवश्य जरूर, फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, परीलोक की सैर। रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार से उसे अच्छे लगे, लेकिन उनमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानियाँ। पुस्तक को देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती है? यदि होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। ये किसने कहा? परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो परी रानी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने ये कहा। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बनूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊँगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोचकर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। रौनक बहुत देर तक परी का इंतज़ार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ, रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था, दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक ने बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया था कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांगी है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर आई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना है। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी
झूठ नहीं बोलना चाहिए, या हमारे घर के कोई काम बता रहे हों और हमसे वो काम नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे झूठ बोल दें या उस बात को टाल दें। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।